हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास टेंथ में चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेसेस, उसके क्वेश्चन आंसर्स का हम रिवीजन करेंगे। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। बच्चों, हाई स्कूल में यानी कि क्लास टेंथ में आपका चैप्टर नंबर 6 है बायो से रिलेटेड, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस या जैव प्रक्रम। तो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आप करेंगे। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑटोट्रॉफ्स इज इनकरेक्ट, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट करेक्ट होता है उसको ही सही लिख करके आ जाते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा ही क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देंगे, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे और उस क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो क्लियर आपको लिखा हुआ मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑटोट्रॉफ्स इज इनकरेक्ट, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ऑप्शन नंबर ए है, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करते हैं, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर बी, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं स्टार्च के रूप में। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं और पानी को किस में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में, और सनलाइट की एब्सेंस में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। चौथा है ऑप्शन नंबर डी, दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन्स। तो इन चारों में से कौन सा लाइन इनकरेक्ट है उसके बारे में आपको लिखना है। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है, इसीलिए ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, कैसे समझेंगे, आप सभी को पता है दे नीड सनलाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि यदि बात की जाए बच्चों, इसकी बात की जाए, ऑटोट्रॉप्स की बात की जाए, तो ऑटोट्रॉप्स का क्या है, ऑटोट्रॉप्स का ये है कि ये इनको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदलने के लिए किसकी जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है, या हम कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न था, इसको सभी बच्चे कॉपी में नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी ने नोट कर लिया, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड मटीरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड। ये जो सामने ग्रुप्स दिए गए हैं, इनमें से कुछ जीवों के ग्रुप हैं जिसमें फूड मटेरियल जो है वो शरीर के बाहर तोड़ा जाता है और एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मशरूम, ग्रीन प्लांट्स एंड अमीबा। ऑप्शन नंबर बी इज ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। ऑप्शन नंबर सी पैरामीशियम, अमीबा एंड कस्कुटा। और ऑप्शन नंबर डी कस्कुटा, लाइस और टेप वर्म। तो आंसर क्या है, आंसर इज बी, ईस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्ड जो हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है
जिसमें फूड मटेरियल जो है वो तोड़ दिया जाता है बाहर से, ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड। आंसर इसका क्या है? आंसर है इसका बी, ईस्ट मशरूम और ब्रेड मोल्ड। ईस्ट मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड आर सेप्रोफाइट्स। ये क्या होते हैं? ये सेप्रोफाइट्स होते हैं एंड सेप्रोफाइट्स ब्रेक्स द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड। इसको भी नोट कर लेंगे बट्टों फटाफट से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि सही कथन को चुनना है आपको। क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान देंगे, कभी कभी इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनने के लिए बोला जाता है और कभी कभी करेक्ट स्टेटमेंट को चुनने के लिए बोला जाता है। तो जब करेक्ट स्टेटमेंट को चुनने के लिए बोला जाता है क्वेश्चन में, तब वो क्वेश्चन करना आसान होता है, लेकिन जब कहीं क्वेश्चन में इनकरेक्ट को चुनने के लिए बोला, इनकरेक्ट को सही बताने के लिए बोला जाता है, तो ज्यादातर क्वेश्चन समझ ना पाने के कारण या कंफ्यूज हो जाने के कारण गलत हो जाता है। तो ये तो इजी वाला पार्ट है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए, हेटरोट्रॉफ्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी कि विषमपोषी अपना स्वयं का भोजन नहीं बनाते हैं। बी, हेटरोट्रॉफ्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि विषमपोषी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सोलर एनर्जी का यूज करते हैं। हेटरोट्रॉफ्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी विषमपोषी स्वयं का खाना खुद ही निर्माण करते हैं। और हेटरोट्रॉफ्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें से करेक्ट सेंटेंस का चुनाव करना है, जिसमें से पहला आपका सेंटेंस कहता है कि विषमपोषी जो है वो स्वयं का खाना नहीं बना सकते, दूसरा कहता है कि विषमपोषी प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग कर लेते हैं, तीसरा कह रहा है कि विषमपोषी अपना स्वयं का खाना बना सकते हैं, और चौथा कह रहा है कि विषमपोषी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कार्बोहाइड्रेट के रूप में कन्वर्ट करने में कैपेबल होते हैं। में से आंसर इज, आंसर नंबर वन इज करेक्ट, हेटरोट्रॉफ्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। हेटरोट्रॉफ्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी कि विषमपोषी अपना स्वयं का भोजन जो है नहीं बना सकते हैं। हेटरोट्रॉफ्स आइदर डिपेंडेंट ऑन फोटोट्रॉफ्स और अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। विषमपोषी जो है वो अपने भोजन के लिए या तो फोटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं या दूसरे किसी ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं, किसके लिए? अपने भोजन के लिए। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ऑप्शन नंबर ए, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओसोफेगस एंड लार्ज इंटेस्टाइन। करेक्ट सीक्वेंस आपका ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का बताना है आपको, कि कौन सा अंग पहले, उसके बाद कौन सा और उसके बाद कौन सा आता है। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? माउथ, उसके बाद ओसोफेगस, उसके बाद स्टमक, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर सी कहता है माउथ, फिर स्टमक, फिर ओसोफेगस, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। और ऑप्शन नंबर डी कहता है माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो आंसर इज, आंसर नंबर डी इज करेक्ट। आंसर डी क्या कहता है? माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले माउथ होता है, उसके बाद ओसोफेगस होता है, उसके बाद स्टमक होता है, उसके बाद
छोटी आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और उसके बाद बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ सलाइवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। यानी कि आप सबको पता है कि आपके माउथ में 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जिनसे सलाइवा सिक्रीट होता है, लार बनती है जिनमें, और उस लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको एमाइलेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। यदि वो एमाइलेज एंजाइम लार में ना पाया जाए तो माउथ कैविटी में क्या फर्क आएगा होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए है, प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू एमिनो एसिड्स। ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। ऑप्शन नंबर सी, फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। और ऑप्शन नंबर डी, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स। तो आंसर में ए नंबर में है प्रोटीन्स ब्रेकिंग डाउन इनटू एमिनो एसिड्स, बी में है स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। तो इसमें आप सबको पता है कि सलाइवरी एमाइलेज में, सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज पाई जाती है, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन सी प्रोसेस पर असर पड़ता है। तो स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स इस प्रोसेस पर असर पड़ेगा। Salivary amylase enzyme present in the saliva breaks down starch into simpler sugar and helps in digesting them. Hence, the breakdown of starch will be affected if salivary amylase is lacking in the saliva. यानी कि salivary amylase enzyme यदि saliva में present होता है तो वो starch को simple sugar में बदल देता है और उसके बाद helps in digesting them और उसको पचाने में फायदा करता है, पचाने में help करता है। और breakdown of starch affected होगा यदि salivary amylase जो है वो saliva में नहीं पाया जाएगा। इसको note करेंगे सभी बच्चे अपनी copy में, notebook में note करेंगे, समझते हुए चल रहे हैं हम। इसके बाद फिर हम next question भी देखेंगे। Next question देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। आपने क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लिया है, हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, यानी आपके पेट की जो अंदरूनी दीवार है, इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। आपके पेट की जो अंदरूनी दीवार है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें मौजूद होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अंदरूनी दीवार को प्रोटेक्ट करता है कोई ऐसा सब्सटेंस। तो जो सब्सटेंस उसकी अंदरूनी दीवार को प्रोटेक्ट करता है उसका नाम लिखना है, चूज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर ए, पेप्सिन। ऑप्शन नंबर बी, म्यूकस। ऑप्शन नंबर सी, सलाइवरी एमाइलेज। और ऑप्शन नंबर डी, बाइल। सॉल्यूशन में लिखेंगे, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। आंसर में लिखेंगे म्यूकस, ऑप्शन नंबर बी। म्यूकस जो है ये एक ऐसा पदार्थ है जो स्टमक की अंदरूनी दीवार को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने का काम करता है। क्वेश्चन को भी नोट करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री केनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सातवां प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री केनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर। एलिमेंट्री केनाल का कौन सा पार्ट है जो बाइल रिसीव करता है, किससे? लीवर से। ऑप्शन नंबर ए, स्टमक। ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर सी, लार्ज इंटेस्टाइन। और ऑप्शन नंबर डी, ओसोफेगस। आंसर क्या है? आंसर है स्मॉल
intestine. Small intestine of alimentary canal receives bile from the liver. यानी कि लीवर से बाइल पित्त को रिसीव करने का काम कौन करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन करता है. आंसर इज बी. स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ एलिमेंट्री केनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर. यानी कि पित्त जो है वो सबसे पहले छोटी आंत में जाता है गॉल ब्लैडर से, और किसके थ्रू जाता है? बाइल goes to small intestine from gallbladder through hepatopancreatic duct. Hepatopancreatic नलिका की सहायता से जो पित्त है वो gallbladder से निकल करके छोटी आंत में जाता है. Next question देखेंगे. ये question पहले सभी बच्चे नोट करेंगे. Bile goes to small intestine from gallbladder through hepatopancreatic duct. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू राइस वाटर. यदि चावल के पानी में कुछ बूंदें आयोडीन सॉल्यूशन की ऐड करी जाएं, द सॉल्यूशन टर्न्ड ब्लू ब्लैक इन कलर. दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन्स. तो राइस वाटर में ऐसा क्या मौजूद है जिससे सॉल्यूशन का कलर ब्लू ब्लैक टर्न हो गया? ऑप्शन नंबर ए है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स. ऑप्शन नंबर बी है सिंपल प्रोटीन्स. ऑप्शन नंबर सी है फैट्स, और ऑप्शन नंबर डी है स्टार्च. तो इसका आंसर क्या लिखी? क्या आंसर इज स्टार्च. स्टार्च की मौजूदगी में यदि आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदें मिलाई जाएं, तो वहां पे जो कलर है वो ब्लू ब्लैक टर्न हो जाता है. स्टार्च किस चीज से बना होता है बच्चों? स्टार्च, इसका एक्सप्लेनेशन जानना बहुत जरूरी है. क्वेश्चन हमने किया उसमें स्टार्च आएगा, लेकिन इसका जो कारण है वो जानना जरूरी है. स्टार्च इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन. व्हेन वी एड आयोडीन टू स्टार्च कंटेनिंग amylose reacts with iodine to form a blue color complex. Here, solution gives blue-black color on adding iodine, which confirms the presence of starch in rice water. Yani chawal ke paani mein starch present hai, isliye usme iodine ki yadi kuch boonde dali jati hai, to uska solution ka color jo hai wo blue-black ho jata hai. इसको भी नोट करेंगे विद एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन भी नोट करेंगे साथ में कि स्टार्च जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बनता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन. और जब उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाता है तो अमाइलोज जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ब्लू कलर का एक जटिल पदार्थ देता है, और इसी कारण से सॉल्यूशन का रंग जो है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है जब उसमें आप आयोडीन की कुछ बूंदें डालते हैं. और ये टेस्ट कंफर्म करता है कि राइस वाटर में स्टार्च प्रेजेंट होता है. को नोट करेंगे सभी बच्चे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री केनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड. यानी कि एलिमेंट्री केनाल का कौन सा पार्ट ऐसा है जिसमें भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है? ऑप्शन नंबर ए है स्टमक. ऑप्शन नंबर बी माउथ कैविटी. ऑप्शन नंबर सी लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, और ऑप्शन नंबर डी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि क्षुद्रांत. इसे आप छोटी आंत भी कहते हैं. तो आंसर इसका क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन जो है वो पूर्ण रूप से उसका पाचन हो जाता है. Although primary digestion process is conducted in mouth. जो शुरुआती दौर में पाचन की प्रक्रिया जो है वो मुख में ही स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे स्टार्च जो है वो टूट करके शुगर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है. एंड स्टमक मोस्ट ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन. और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बाकी का बचा डाइजेशन का प्रोसेस है, पाचन की प्रक्रिया है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कम्प्लीट हो जाती है.
और लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती, बल्कि लार्ज इंटेस्टाइन में पोषक तत्वों का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो आंसर में लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वेयर फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड, ऑल्दो प्राइमरी डाइजेशन प्रोसेस इज कंडक्टेड इन माउथ एंड स्टमक, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस अकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इन लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेशन प्रोसेस विल नॉट टेक प्लेस। ये सारे बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जैव प्रक्रम चैप्टर के, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो इस चैप्टर से बनते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, उसके बारे में चर्चा हो रही है। हम 9 क्वेश्चंस बहुविकल्पीय प्रश्न में कर चुके हैं, अब 10वें प्रश्न का नंबर है। 10वां प्रश्न देखते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा है, चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित फंक्शंस में से पैनक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन है वो आपको चुनना है। ऑप्शन नंबर ए, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स। ऑप्शन नंबर बी, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट्स एंड लाइपेज प्रोटीन्स। ऑप्शन नंबर सी, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स। एंड ऑप्शन नंबर डी, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स। पैनक्रियाटिक जूस का क्या फंक्शन है उसमें आपको लिखना है, तो सही जवाब आप लिखेंगे ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स। ट्रिप्सिन क्या करता है बच्चों, ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है पॉलीपेप्टाइड्स में और लाइपेज में, जो डाइजेस्ट कर लेती है इमल्सिफाइड फैट मॉलिक्यूल्स को फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। इस क्वेश्चन के साथ ही आपका जैव प्रक्रम चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों में 10 प्रश्न आप कर चुके हैं। अब इन 10 प्रश्नों को आपको नोट आपने कर लिया है, मैंने आपको टाइम भी दिया नोट करने के लिए, नोट करने के बाद इसको आपको मैंने समझा भी दिया है, तो 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसको भी आप 10वें प्रश्न को भी आप नोट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आशा करती हूँ बच्चों आपने 10th क्वेश्चन तक नोट कर लिया होगा। आगे का हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, ये एक्टिविटी के बारे में आपको बताया गया था, यदि चूना पानी में फूंक मारी जाए, चूना पानी यदि टेस्ट ट्यूब में डाला जाए और उसमें मुंह से फूंक मारी जाए, द लाइम वाटर टर्न्ड मिल्की, तो लाइम वाटर जो है वो दूधिया रंग का हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, हमारी जो हम सांस लेते हैं तो सांस छोड़ते समय हमारी छोड़ी हुई सांस में कौन सी गैस की अधिकता होती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस के कारण जो लाइम वाटर है, उस लाइम वाटर में जो हवा यदि हम फूंकते हैं मुंह से, तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण जो पानी होता है वो दूधिया रंग का हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद लाइम वाटर टू कन्वर्ट इट टू मिल्की, आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद लाइम वाटर टू कन्वर्ट इट टू मिल्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनएरोबिक रिएक्शंस इन यीस्ट इज, ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रक्रिया होती है, पाइरुवेट बनाता है और पाइरुवेट का वो टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जहां पे एथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा कह रहा है ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट बनाता है और साइटोप्लाज्म में ही लैक्टिक एसिड बना देता है। ये एनएरोबिक रिएक्शन ईस्ट में होने वाले एनएरोबिक रिएक्शन की करेक्ट सीक्वेंस पूछा जा रहा है इसमें। तीसरा है ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट बनाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लैक्टिक एसिड जो है वो बना देता है। और चौथा पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट बनाता है और साइटोप्लाज्म में ही एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बना ले। तो एनएरोबिक रिएक्शन का करेक्ट सीक्वेंस ईस्ट में जानना है आपको, वो है बच्चों ग्लूकोज
साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट बनाता है और साइटोप्लाज्म में ही एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इन ईस्ट साइटोप्लाज्म ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू एनएरोबिक कंडीशन टू प्रोड्यूस पाइरूवेट व्हिच इज फर्दर ब्रेक डाउन टू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ईस्ट में साइटोप्लाज्म के अंदर ही ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है अवायवीय कंडीशन में, और उसके बाद पाइरूवेट के कुछ कण बनते हैं और वो आगे ब्रेक डाउन हो जाते हैं एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाते हैं। तो नोट करेंगे बच्चों, कहीं भी कोई प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। ये अवायवीय बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन की प्रोसेस की बात हो रही है, जहां पे क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट ही नहीं होता, इसलिए जो हम लिख रहे हैं ग्लूकोज का विघटन होता है साइटोप्लाज्म में ही और फर्दर वो ब्रेक डाउन हो जाता है एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये आपका सही सीक्वेंस है एनरोबिक रिएक्शन का ईस्ट में, और इसको आप लिखेंगे, नोट करेंगे इसको। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो चैट के माध्यम से आप जरूर पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, पहले ये वाला समझ लिया आप सभी ने कि अवायवीय रिएक्शन जो होती है ईस्ट में उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, करेक्ट सीक्वेंस देखा आप सभी ने और उसको आगे समझा। बच्चों आज की क्लास में लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर जैव प्रक्रम से रिलेटेड चैप्टर के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न किए आप सभी ने। आशा करती हूँ कि वो सब प्रश्न आपने अपने नोटबुक में अवश्य ही नोट कर लिए होंगे। आज की क्लास में इतना ही, अगले सेशन में हम इसी चैप्टर के और कुछ क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।